हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ BA सेकेंड ईयर, है ना। मैंने आपको बोला था कि 21 एक्सरसाइज रिव्यू ही है, चलो फिर भी मैं करवा देती हूँ, हो सकता है बहुत बच्चों को इसमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो 21 एक्सरसाइज देखिए, रिव्यू ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस। देखो, जब भी प्रेजेंट की बात आती है, इज एम आर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, ये चीज़ें लगती हैं। और अगर पास्ट की बात आती है तो हम क्या लगाते हैं, हैड या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। सो 21 एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड ग्रामर की आप निकाल लीजिए। इसमें ए सेक्शन इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, क्लेयर इज़ रेडी टू गो ऑन सफारी। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, शी इज़ वेटिंग फॉर हर गाइड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, शी गोज ऑन हॉलीडे अलॉट। देखो, सबसे पहला सेंटेंस क्या है, क्लेयर इज़ रेडी टू गो ऑन सफारी, है ना, ये क्या है, स्टेटमेंट है प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है, शी इज़ वेटिंग फॉर द गाइड, यानी वो क्या है, अपने काम के बीच में है। कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी काम के बीच में होंगे तो दैट इज़ योर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल है, शी गोज़ ऑन हॉलीडे अलॉट, वह बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ पे जाती है। तो शी के साथ आपका क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आ गया, तो ये आपकी क्या बन गई, स्टेटमेंट बन गई। जितने भी ऐसे, शी लिव्स नियर द होटल, तो भी आपका स्टेटमेंट बन जाएगी। या फिर मैं कहूँ शी वियर्स रेड ड्रेस, तो ये भी स्टेटमेंट बन जाएगी। देन प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैज़ के साथ, हैज़ हैव के साथ आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। शी हैज़ बॉट अ सफारी सूट, है ना, उसने सफारी सूट खरीदा है, खरीद चुका है। तो पास्ट में उसने खरीदना शुरू किया, पसंद करना शुरू किया, प्रेजेंट में हमारे पास रिजल्ट क्या है, वह खरीद चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, शी हैज़ बिन प्लानिंग फॉर हर ट्रिप फॉर मंथ्स, यानी उसने ओवर अ पीरियड कोई चीज़ को लगातार सोचा, है ना, वह सोच रही है। शी हैज़ बिन प्लानिंग हर ट्रिप फॉर मंथ्स, बहुत सारे मंथ से वो अपने ट्रिप के बारे में सोच रही है। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंट। देन पास्ट सिंपल आ गया, तो शी के साथ बॉट लग जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज गोइंग लग जाएगा, ऊपर क्या था, इज वेटिंग था। पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बॉट था, तो पास्ट परफेक्ट में हैड डिसाइडेड लग गया, है ना। और ऑलरेडी जस्ट हमने पढ़ा था कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसे पहले लगेगा, शी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड, शी हैड ऑलरेडी रिटर्न, शी हैड जस्ट राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आप ऑलरेडी और जस्ट लगाएंगे और येट आपका एंड में लगेगा या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में लगेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में क्या बन जाएगा, शी हैड बीन लुकिंग फॉर वन फॉर अ वीक और टू। सो ए पार्ट इज क्लियर, देन कम टू द बी पार्ट, आई एम डूइंग, आई डू, आई एम डूइंग मीन्स आई एम डूइंग BA, मैं BA कर रही हूँ। I do my work regularly. I'm doing BA means you are talking about the continuous action. I do my work regularly. It means you are giving the statement. मैं अपना काम regular करती हूँ. So B आपको समझ में आ गई होगी. I write home every week. है ना, जितने भी यहाँ पे हैं present simple के हैं statements हैं वो regular आप जो काम कर रहे हैं वो है, और जो I am doing है continuous है, यानी आप एक particular action की बात कर रहे हैं. C देखिए, I have done or I did. I have completed my work. इसका क्या मतलब है, पास्ट में आपने काम शुरू किया था, प्रेजेंट में आपके पास रिजल्ट क्या है, आपने काम कर लिया है, कर चुके हैं। I have repaired the car. कार आपने 4 बजे रिपेयर करनी शुरू की थी, प्रेजेंट में आपके पास अब रिजल्ट क्या है, कार रिपेयर हो चुकी है। I did में क्या है, I did my work yesterday. मैंने अपना काम कल किया, आज किया या नहीं किया हमें नहीं पता। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हमें अब रिजल्ट मिल चुका है कि हमारा काम हो चुका है, लेकिन आई डिड माई वर्क yesterday, इट मीन्स आपने कल का काम किया, आज का किया है या नहीं हमें नहीं पता। देन देखिए डी, आई हैव बीन डूइंग और आई हैव डन। आई हैव बीन डूइंग मीन्स वेन यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली आपने कोई काम पे सोचा, कोई काम किया, क्योंकि हैव बीन है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, और आई हैव डन यानी आपने पास्ट में किया लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो चुका है। एक शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है आई हैव डन, लेकिन आई हैव बीन डूइंग एक लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है, आपने कॉन्टिन्यूसली कोई काम को सोचा या किया। लाइक सेंटेंस है, डैनियल इज टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग, वो सारी रात काम कर रहा है, मतलब रात तो लिखा नहीं है, ही हैज़ बीन वर्किंग, वो लगातार काम कर रहा है। आई हैव बीन रीडिंग ऑल आफ्टरनून, है ना, मैं सारी आफ्टरनून पढ़ रही हूँ, सारी आफ्टरनून मैं पढ़ती रहती हूँ। देन वी हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर अ वीक, हम यहाँ पे एक हफ्ते से रह रहे हैं, तो जो लगातार वाली बात आ गई, काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो वहाँ पे हैव बीन लग जाएगा। और आपका जो हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म है उसका मतलब क्या, आई हैव रेड 200 पेजेस, मैंने 200 पेजेस पढ़ चुका हूँ, पास्ट से 1 पेज से शुरू किया था 200 पेजेस, अब मेरे पास रिजल्ट क्या है, कम्प्लीटली हो चुके हैं 200 पेजेस, आगे पढ़ूंगा
वो चीज़ के बारे में यहाँ नहीं बताया, यहाँ पे सिर्फ परफेक्टली जो आपके पास प्रेजेंट में रिजल्ट है। देन ई पार्ट देखिए, आई वॉज डूइंग और आई डिड, आई वॉज डूइंग माई वर्क येस्टरडे, कल मैं अपना काम कर रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूज आ गया, मतलब पास्ट का जो एक्शन कंप्लीट हुआ और उसकी आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। व्हेन आई एंटर्ड इन हर हाउस शी वॉज रीडिंग अ नोवल, जब मैं उसके घर गया तो वो नोवल पढ़ रही थी। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। दूसरी जगह पे क्या है, पास्ट सिंपल है तो आई रेड द नोवल, मैंने नोवल पढ़ा। आई लेफ्ट माई पर्स, मैं अपना पर्स छोड़ाई। आई लिव्ड इन द हाउस, इस घर में मैं रही हूँ, है ना, इस तरह से बन जाएगा। एफ देखिए, आई डिड और आई हैड डन, आई डिड माई वर्क येस्टरडे, कल मैंने अपना काम किया, ये कल की बात हो रही है, जो काम आपका फिनिश हुआ। और आई हैड डन, मैं अपना काम एक पर्टिकुलर टाइम पे कर चुकी थी। व्हेन शी एंटर्ड, जब वो पहुंची, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। जी देखिए, आई हैड बीन डूइंग, आई हैड डन, आई हैड बीन डूइंग क्या हो गया, आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 3 आवर्स, है ना, ये काम मैं 3 घंटों से कर रही थी, लगातार कर रही थी। वो दूसरी जगह पे क्या है, आई हैड डन माई वर्क येस्टरडे, कल मैं इस टाइम पे अपना काम कर चुकी थी। सो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। 21 एक्सरसाइज थी, रिव्यू था, एंड देन आपका 21 के बाद 21 एक्सरसाइज है, ये आपको करनी है। देन टेस्ट 5 है, ये मैंने आपको बोला था कि छोड़ना नहीं है। देन आपका आता है फ्यूचर टेंस, 22 इंट्रोडक्शन दी हुई है फ्यूचर टेंस की, तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आई विल टीच यू बाई टमोरो अबाउट दिस टेंस, 22 एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आज आपको इसलिए करवाई ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।